After a long time, it's totapari time. It's a rhyme. ఆల్రెడీ టీవీలో మస్తు పాపులర్, మీరు షోలో చూసే ఉంటారు. अच्छा ये आवाज़ उधर जाता ये सब अच्छा ओल्डन डेज स्पोर्ट के लोगों को टेलीफोन मोबाइल नहीं था अच्छा कोई भी एनिमी आएगा वॉचमैन क्लैप करेगा आवाज़ उसको वो बजाएगा तो ये पूरा फोर्ट 10 किलोमीटर एक डोर 52 विंडोज पूरा बंद हो जाएगा एक बजाने से एनिमी आया 2 बजाने से गेस्ट आया सब कोड वर्ड अच्छा ये मैसेज यहाँ से वहाँ जाने का कारण नहीं ये साइड पर देगी तो अच्छा हाँ अभी हम लैप टॉप पर देखे हाँ रानी का महल है अच्छा महल के अंदर ऐसा क्लॉक पर टच करो 24 कम आए एक दीवार में धीरे से सांप का नाम बोलो 40 फीट दूरी पे सांप जवाब देंगे कि आपने धीरे से क्या बोला पुराने लोग बोलते ना दीवारों के भी काम होते हैं हैदराबाद में देखने के लिए दो ही मेन प्लेस है चालाजोर म्यूजियम दूसरा गोलकुंडा फोर्ट हिस्टोरिकल प्लेस समझे तो अच्छा देखो पब्लिक पूरा उल्टा भाग रहा है ऐसा भागने से खाली दीवार पत्थर देख के जाना पड़ेगा जाना इधर से है आना इधर से है अब ये दो प्लेट डेमो बता रहे देख लो इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट गाइड चल के बताता नहीं बोले तो आपकी मर्जी इधर आइए जब राजा मर जाएगा यहाँ पे डेड बॉडी को वॉश करेंगे अंदर में 3 हाउसेस है कोल्ड वाटर हॉट वाटर रोज वाटर यहाँ पे बॉडी को क्लीन करके ये डेड बॉडी को मेन गेट से नहीं निकालते इसके ऊपर डेड गेट वहाँ से एक अंडरग्राउंड पैसेज वो 7 फुट्स को जाएगा खुद स्वामी को अब इसके अंदर में गीजर नहीं है पानी को गर्म करने के लिए पानी कैसे गर्म होता था अभी आप रानी के महल में देख सकते हैं अब इसके ऊपर में एक बेड है 240 किलो वहाँ तक देख लो कि चार्ज बताते होना है तो बैठ रखो नहीं होना है तो जाओ इधर यहाँ से 2 रास्ते हैं या पब्लिक वे वो किंग्स वे पब्लिक वे से जाएंगे फिर से बाहर आएंगे पूरे पैलेस के अंदर में 500 बेडरूम अंदर बताएंगे आपको नो डोर ओपन प्लेस वो मेन डोर एक ही डोर वो डोर का नाम है बालासर गेट वो गेट दुश्मन को नहीं दिखना बोल के सामने वॉल पर निकलेगी वॉल एलिफेंट को डोर को तोड़ देगा लेकिन एलिफेंट को ऐसा घूम के मारने में इसका ताकत टूट जाएगा अगर लोग आगे पीछे कर कर वो डोर से फोर्स किया वो डोर से उसे डालेंगे हॉट वाटर हो जाएंगे वो एलिफेंट पीछे भागे इस फोर्ट के अंदर 20,000 सोल्जर्स है ईरान इराक मिस्र से जॉब के लिए आते थे उस जमाने में जो भी सोल्जर्स राजा के लिए जॉब के लिए आएगा उस जमाने में पढ़े लिखे नहीं था ताकत वहाँ बैठे रखो नीचे आदमी में संरक्षण नहीं तो उसको बाहर उस जमाने में इसका 1 आदमी उठाता था अब 4 आदमी भी नहीं उठा पाता 240 केजी
वर्ल्ड का फेमस हीरा सुना है कोहिनूर, अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्राउन में है। ये है नगीना पार्क। नगीना बोले तो हीरे को बोलते हैं। ओल्डन डेज यहाँ पे डायमंड मार्केट होता था। ओल्डन डेज बाहर से राजा जब यहाँ पे डायमंड खरीदने के लिए आते थे तो ये गोलकुंडा में एयर कंडीशन नहीं था, एसी, इसको पूरा पानी रहता था। जैसे पानी को हवा लगने से ये 24 आवर्स एसी। ये छत में देखो क्या पत्थर है, 1, 2, 3, 4। वो जो पत्थर में छेद दिख रहा है उस पर रस्सी डालेंगे, रॉयल फैमिली झूला झूलेंगे झूलने के लिए। ये कॉर्नर से लेकर वो कॉर्नर तक झूले और उधर से लेकर इधर तक पूरा पानी। चार मीनार देखिए, हाँ यहाँ से देखो छोटा चार मीनार दिख रहा। నిజంగా ఉయ్యాలో నిజంగా వాటర్ ఉంటే ఈ పాటికి మనము కుతుబ్ షాహి మస్జిద్ సేమ్ డిజైన్ హైదరాబాద్ కా చార్ మినార్ యే దో మినార్ వో చార్ మినార్ యే బాప్ బనాయా వో బేటా బనాయా చార్ మినార్ బనానే వాలే కా ఇంజనీర్ కా నామ్ థా బర్మచారీ ఉన్నే బోలా కి మే బనాఊంగా చార్ దిఖాఊంగా దో ఆప్ పూరే హైదరాబాద్ సే దేఖో చార్ మినార్ నే దిఖతే దో దిఖతే ఉస్కే అపోజిట్ గయా తో చార్ 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 మినార్ ఇస్లే బనాయే థే కి హైదరాబాద్ మే బీమారీ నికలా థా ప్లేగ్ బీమారీ బోల్తే కోయి భీ అచ్చీ చీజ్ బనానే సే బీమారీ దూర్ హో సక్తీ బోల్తే చార్ మినార్ బనాయే। अब चार मीनार को यहाँ से बाई रोड जाओ 12 किलोमीटर, रानी के महल से 8 किलोमीटर पैसेज डायरेक्ट चार मीनार में निकलेगा। कहाँ से वो देख सकते हैं। थोड़ा इधर आओ, वो ऊपर देखो झाड़ दिख रहा पेड़, वहाँ पे एक मंदिर है, दुर्गा माता की मंदिर। मंदिर को जाना बोल तो 800 सीढ़ी, जाके आने में 1.5-2 घंटे लगते। इसके पीछे पैलेस है, 2.5 किलोमीटर घूमना पड़ता। पूरे 24 प्लेसेस है, रानी का मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम, एसी रूम, रामदास जय, लखना मदन ऑफिस, 7 राजा इसको मिलके बनाए, पूरा 7 राजा क्या क्या बनाए, हैदराबाद कौन बनाए, चार मीनार कौन बनाए, ऐसा गाइड रहते। क्या है 45 मिनट में आप 24 प्लेसेस देख के आ सकते हैं। बाद में भी शायद मंदिर का रास्ता बता दें, मंदिर को जाना है तो आप जा सकते हैं, नहीं जाना है तो बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा गाइड रहते क्या है आपको हर चीज़ पता चले। वही चार्ज क्या है बताइए। ये पूरे 24 प्लेसेस देख के आने के बाद गाइड चार्जेस यहाँ देना पड़ता है, 750 चार्ज रहता है गाइड का। आने के बाद फोर्ट देख के आने के बाद देना पड़ता है। शायद ये वैसा कपड़े की आवाज़ सुने तो खुश हो जाना, वैसा बेहतरीन फोटो है ये बताए तो, नहीं तो इसमें धूप में जाके खाली दीवारों फतरे देख के बाहर निकलना पड़ता। हैदराबाद में 2 मेन जगह, सालारजंग म्यूजियम, गोलकुंडा फोर्ट, हिस्टोरिकल प्लेस। अब ये कोरोना है बोल के यहाँ पे टिकट भी कम है, गाइड का रेट भी कम है ना, तो टिकट के 140 है, गाइड का चार्जेस 1250 है, तो 25 रुपये में टिकट है, 750 में गाइड का चार्जेस। डोर 52 विंडोज। अभी आप थर्ड बाउंड्री वॉल के अंदर है। ओके। इसके आगे में 2 बाउंड्री वॉल, अच्छा। इसके अंदर में 4 बाउंड्री वॉल। ओके। अब जो आप ये फोर्ट में घूम रहे हैं, ये ओल्ड फोर्ट है, ये दीवार के पीछे वो न्यू फोर्ट है, उसको बोलते हैं नया किला। वहाँ पे खोदने से डायमंड निकलते थे। ये गोलकुंडा को हीरे की खान बोलते हैं। मैंने सुना कि यहाँ से दिल्ली तक एक रास्ता था, चार मीनार को रास्ता है, चार मीनार को है। अच्छा। तो वहाँ पे अभी वो जो नया किला है वहाँ पे वो गल्प बना दिया, गल्प वो बॉल मारते नहीं, वो बना, अभी किसी को वहाँ खोदने नहीं देते। वहाँ पे एक ट्री है 1000 ईयर्स, वो ट्री का नाम है एलिफेंट ट्री, हथियान का झाड़, ऐसा गोल झाड़ है। वो झाड़ के पेड़ के अंदर एक बेडरूम है, वो बेडरूम के अंदर 15 आदमी बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। अगर आप ऑटो में या कार में है तो गाड़ी पूरी वो झाड़ तक जाती। अच्छा। अभी भी आप वो झाड़ के अंदर जा सकते हैं। जी मैडम, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उसके पीछे मुझे एक छोटा सा दीवार दिख रहा है, दीवार उसको बोलते हैं डेड गेट। वहाँ से पैसेज वो 7 टूम्स को जाएगा, कुतुब शाही टूम्स। अभी अपन अंदर चलेंगे तो वो 7 टूम दिखाई देंगे अपने। उधर भी जा सकते हैं ना, 7 टूम्स के अंदर से जाना पड़ता है। दिया ला नहीं दिया ला। माने यूट्यूब चैनल उन निकाली की रात KAA LIKE KAR AA KE काली की रात। काली की रात। ओके ये अजहर फिल्म की शूटिंग यहीं से इमरान हाँ की अजहर कौन सा गाना था गैस? हाँ गाने का शायद अजहर का।
1687 में औरंगजेब इधर अटैक किया। ओके। तो जमाने में यहाँ पे दो कमांडर्स हैं, अब्दुल रज्जाक लारी, अब्दुल रज्जाक पन्नी। ओके। अब्दुल रज्जाक लारी बड़ा भाई था। अच्छा। अब्दुल रज्जाक पन्नी छोटा भाई था। अब्दुल रज्जाक लारी की ये 12 साल के गेट के ऊपर ड्यूटी थी, अब्दुल रज्जाक की फतेह गेट पर ड्यूटी थी। अच्छा। औरंगजेब 8 महीने 9 दिन फतेह गेट के बाहर से अटैक किया, तभी भी ये फोर्ट को जीत नहीं पाया, कंटिन्यू यहाँ पे युद्ध हुआ, फिर भी वो नाकामयाब। उसके बाद औरंगजेब की कैसी खबर मिली कि यहाँ पे जो कमांडर है अब्दुल रज्जाक पन्नी छोटा भाई पैसे लेने वाला था रिश्वत खोर। जैसे औरंगजेब को मालूम हो गया कि रिश्वत खोर है बर्दो, औरंगजेब उसको खरीद लिया कि मेरी पार्टी में आ जा, तुझे गवर्नर बनेगा, पैसा देकर बाहर का डोर ओपन किया। जैसे छोटे भाई ने औरंगजेब की बात में आकर बाहर का डोर ओपन किया, जैसे औरंगजेब फौज को लेकर फौज के अंदर दाखिल हो गया, गुस्से की साजिश छोटे भाई को मार दिया। इसलिए मार दिया कि 3 साल से तू राजा का नमक खा रहा है, कि संगत में गद्दारी कर रहा है, मेरे पास गवर्नर बनने के बाद मेरे साथ भी ऐसी कर सकता बोलता। इसका जो बड़ा भाई था अब्दुल रज्जाक लारी, ये राजा का बहुत ईमानदार आदमी था। एक आदमी यहाँ से जाके फतेह गेट से लड़ते लड़ते आखिर जख्मी हालत में गार्डन में गिरा है, उसको नाखून से लेकर बाल तक इतने जख्म पड़े थे कि गिन नहीं सकते थे। तो राजा उसकी वफादारी देखकर ये गार्डन का नाम बदल दिया, ना गिना गार्डन, यानी कि गिन नहीं सकते। पहले तो नगीना था, नगीना बोले तो हीरा, बाद में नागिना बोले तो उसके जख्म गिन नहीं सकते। सुन रहे ना क्या बोल रहे, अच्छी तरह से सुनिए। बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग को भी नहीं मालूम गोलकुंडा के बारे में, बट जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, पूरे सुनेंगे क्या क्या हो रहा है। उस जमाने के जितने भी सोल्जर थे 6 फीट 7 फीट लंबे लंबे, ये पहले अंदर था, इसको गवर्नमेंट हाइट किया, उसका हाइट छोटा हो गया। उस जमाने में यहाँ पे लाइट नहीं था, बिजली पत्थर, वो जो पत्थर में सुराग दिख रहा है उसमें लकड़ी लगाकर मशाल लगाई लाइट के लिए। ओके। ये तेरे नाम की शूटिंग यही देखो, सलमान खान जो पागल हो जाता मेंटल हॉस्पिटल, श्री रामधर का शूटिंग इधर, तेरे नाम किलोमीटर का है, अंदर का फोर्ट 3, बाहर का फोर्ट 7, नहीं मैडम बाहर पब्लिक, 3 में राजा, 7 पे 7 गेट, जैसे आपकी गाड़ी है 3 पे 1 ही गेट, अब तुम अंदर है। अब ये पूरा अपना 3 किलोमीटर का टूर है, कहीं भी आपने को दरवाजा नहीं दिखेगा, ऐसे ही ओपन स्पेस। ये गोलकुंडे का लास्ट किंग अबुल हसन तानिशाह पटेल और हिंदू मिनिस्टर अक्कन्ना मादन्ना, उनका ये ऑफिस, वो पब्लिक जाने का रास्ता। या पब्लिक राजा से ऊपर मिलने के लिए जाना है तो पूरी पब्लिक को इधर चेक करेंगे। उस जमाने में लोहे के अलमारी नहीं थे कि फाइल सामान रखने के लिए, ये जो ऊपर के प्लेस दिख रहे सारे सामान फाइल रखेंगे ऊपर, कबर्ड सिस्टम। ये डे में ऑफिस, नाइट में बेडरूम। ये बेडरूम कैसे होगा, ये 4 पत्थर, 1 2 3 4, उसमें रस्सी डालेंगे, पर्दा सिस्टम। वहाँ नीचे देखो 2 पत्थर, वो रात को लाइट के लिए, दिन को बिना करंट पंखा नीचे ठहर के अपने रस्सी खींचेगा कपड़े का। ये देखो यहाँ के जितने भी बड़े बड़े स्टोन से, ये पूरा स्टोन ग्रेनाइट। अब ये पत्थर को कट करो, पॉलिश करो, चमकेगा, आप घर में यूज कर सकते हैं। ये गोलकुंडा में 24 आवर ठंडी हवा आएगी, इसलिए आएगी। ये दीवार के अंदर सीमेंट नहीं है, चुना, गच्ची, गुड़, रस्सी, उड़द की दाल, अंडा, ये पूरा मेटल को मिक्स करके सीमेंट बना है, उसी से पूरा ठंडा रहता है। अब यहाँ पे जितने भी दीवार है पत्थर पे पत्थर, 500 ईयर्स विदाउट फाउंडेशन। मैम ये डिफेंस बिल्डिंग, आर्मरी। अच्छा। इस बिल्डिंग के अंदर में 150 रूम, ओल्डन डेज इसमें गन पाउडर रखते थे। अच्छा। वहाँ पे अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स रहते थे, नीग्रो। ओके। सर वहाँ पे एक छोटा सा टैंक है, वहाँ पे गरम गरम तेल करते थे। वो स्टेप दिख रहे हैं, स्टेप्स, वो मेन गेट पे जाएगा रास्ता। अच्छा। बाहर से कोई भी हाथी लाएगा, तेल डालेगा, हाथी पागल होके भाग जाएगा। अच्छा।
ये गोलकुंडा के 7 वॉल्स 8 डोर्स 52 विंडोज। अभी आप थर्ड बाउंड्री वॉल के अंदर है, वो बाउंड्री वॉल से पीछे देखो मैं बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं, वहाँ स्विमिंग पूल है 3 एकड़ का। अब इसमें रेन वाटर ओल्डन डेज गुड वाटर वो 3 एकड़ के मेन सेंटर में एक फाउंटेन है, उसमें पूरे गुलाब के फूल डालकर हैंड पंप घुमाने से पूरे फूल प्रेस होके परफ्यूम रोज वाटर। यहाँ का लास्ट किंग अबुल हसन तानिशाह के 360 बेगम थे, पूरे बेगम मिल गया फूल डालने से वो राजा पानी ना। अच्छा 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 Look at that flower. Okay, okay. Do you like what's up? कौन सा जुबली है? वो जुबली है। अच्छा राइट साइड में बंजारा है। ये साइड ओल्ड सिटी पड़ेगा। इधर से दिखेगा। में ये पूरा औरंगजेब पैलेस फेमस है। ये रूफ पूरा कलर है। ये राजा का रास्ता है। जब राजा महल से बाहर निकलेगा जो ड्रम बजाते हैं ना ड्रम, वो लेफ्ट साइड नगर खाना वो दो दो। अच्छा अब ये जो ओपन प्लेस दिख रहा है ये वेलकम प्लेस, बोले तो दूसरे राजा इस राजा से मिलने के लिए आएंगे, उसके यहाँ पे वेलकम होगा। ये रूम में एक आदमी होगा, वो आदमी जराकर ये मेहमान का नाम एड्रेस लिखकर वहाँ जाके बोलेगा तो महल में आवाज आएगी कि दूसरा आदमी आया। अब जैसे एक रूम से दूसरे में टेलीफोन बेल लगे, जमाने में बेल नहीं थी हाथ खड़ी। एक करोड़ दो, दो का मतलब कि मुजरिम आ रहा। दो करोड़ चार, चार का मतलब कि मेहमान आ रहे। मैं क्लैप करता हूँ आवाज अंदर आता। अच्छा दो एक ऐसा करने से अंदर से आदमी आएगा, ये मेहमान को लेके जाए। जोर से मारो, छोटा आ रहा आ रहा, ऐसा खुला मारो, सब बजा रहे आ रहा है। मुंह ना चेतलो पड़ते घोटा दंते फ्लावर क्यूट मुस्लिम में दो कल्चर होते हैं, शिया सुन्नी। यहाँ के जितने भी किंग थे पूरे ईरान वाले शिया, जो मोहरम करते हैं ना मोहरम, ये लेडीज मस्जिद, यहाँ के रानियाँ 10 दिन तक इसमें मोहरम करते थे। उस जमाने में यहाँ पे दो नर्तक थे डांसर्स, तारामती प्रेमामती उनका गेस्ट हाउस। यहाँ की जो मेन रानी थी हिंदू राजा मुस्लिम रानी हिंदू भागमती, वो भागमती का बेडरूम बड़ा वाला। इसके पीछे में धोबी घाट लंगर खाना किचन रूम। अब जो अपन वाकरना मादरना का ऑफिस देखे, वो लोग यहाँ से जाते थे ऊपर, वो आदमी दिख रहे हैं। अब यहाँ से देखो स्कर्ट नहीं दिख रहे, ये दीवार के विंडो दिख रहे विंडो। अब ये अंदर जाएंगे आपको स्कर्ट दिखेंगे। तो आने वाले दुश्मन को कन्फ्यूज करने के लिए दीवार के अंदर ऐसा डिजाइन बने कि इसके ऊपर जाने का रास्ता पता ना चले। अच्छा ये KCR यहाँ चढ़ाता था मतलब। राजा ने ड्रिंकिंग वाटर के लिए 4 टैंक बने पानी के, ऊपर में 3 पब्लिक के लिए व नीचे में राजा रानी के लिए। अच्छा उस जमाने में यहाँ पे करंट नहीं था, नीचे से 500 फीट तक पानी को चढ़ाए पर्शियन वेज हैंडपम्प। ये हैंडपम्प वही आदमी घुमाएगा जो आदमी यहाँ पे गलती करेगा, उसको फांसी नहीं पनिशमेंट। 500 फीट तक ऐसे लोहे के पाइप थे पानी को चढ़ाने के लिए, मिट्टी के पाइप पूरे 10 किलोमीटर में। वहाँ देखो पाइपलाइन, वो दीवार के कॉर्नर में देखो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, एक दो ऊपर का 1-3 पूरे 10 किलोमीटर पे मार्ग पाइप। कुतुब शाह जो ये गोलकुंडा बनवाया वो चावल का गोदाम बनाया था, गोदाम चावल का चावल राइस मिल वो बड़ी दीवार, वो बड़ी दीवार उधर से डोर है ये बैक साइड। यहाँ का लास्ट किंग अबुल हसन तानिशाह वो गोदाम को खाली करा कर उसको बनाया VIP जेल। जेल पूरे इंडिया में 2 रामदास, एक शिवाजी का रामदास महाराष्ट्र का, वो गुरु रामदास, या हैदराबाद का तेलुगु रामदास, या गोलकुंडे का कलेक्टर। इस गोलकुंडा से 6 लाख रुपीज कैश पब्लिक से टैक्स जमा कर वो एक साल खजाने में नहीं डाला, वो एक साल के 6 लाख ले जाकर भद्राचलम खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक राम की मंदिर बनाया।
तभी लाके रामदास को राजा ने दरबार में पूछे कि पैसे कहाँ हैं। बोला कि भगवान में खर्च हो गया। जो यहाँ का किंग बोला कि गवर्नमेंट का पैसा बिना परमिशन किससे खर्चा किया, बोलकर रामदास को 12 साल नज़रबंद, अंदर जा के दीवार खाना पानी ऊपर से 12 साल रामदास अंदर बैठकर पत्थर लेकर भगवान के 19 मूर्ति बने। राम लक्ष्मण गणेश हनुमान के मूर्तियाँ अंदर है। 12 साल के बाद राम और लक्ष्मण वो राजा के सपने में आए। वो बोले कि पैसा पेट के लिए खाए नहीं, आम जनता में ले जा, मतलब यहाँ से रामदास को रिलीज कर। एयर कंडीशन ठंडा लग रहा है, ये पूरा लाइमस्टोन। अब यहाँ कान देखो, दरवाजे में पड़ा। अब यहाँ पे इसलिए हवा आ रहा है, ये दीवार देखो यहाँ से सीधा दिख रहा है, यहाँ से दिखे तो दीवार सीधी है। अब ये दीवार को अंदर जाके देखिए, दीवार जैसे क्रास है, क्रास वेंटिलेशन, अंदर की हवा बाहर नहीं आएगी, बाहर से हवा अंदर जाएगी। देखो सब अंदर, देखो 1 2 3 4 दीवार का फाउंडेशन, देखो 1 2 3 4 गली जैसा दिख रहा है। बाहर से देखने से स्टेड है, अंदर से देखने से इसका नाम गोलकुंडा फोर्ट नहीं है, इसका नाम था गोल्लाकुंडा। ये गोल्लाकुंडा तेलुगु वर्ड, गोल्ला मीन शेपर्ड, कुंडा मीन हिल, शेपर्ड हिल। तो यहाँ का फर्स्ट किंग हिंदू काकतिया प्रताप, वरंगल का राजा। वो वरंगल से यहाँ पे शिकार के लिए आता था। ये बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा पहाड़, लोग यहाँ पे गाय भैंस चराते थे। तो उसको जगह ये पसंद आया, तो उन्होंने इरादा किया कि मैं यहाँ छोटा सा फोर्ट बनाऊँ। तो काकतिया प्रताप ने 1143 में छोटा सा मिट्टी का फोर्ट बना के इसका नाम रखा गोल्लाकुंडा। 200 साल राजधानी था हिंदू राजा का। फिर उसके दौरे हुकूमत में यहाँ पे आए बाहमनी किंग्स, कर्नाटक वाले, अहमदाबाद, बेजापुर, गुलबर्गा, बीदर, ये 5 कर्नाटक से आकर ये फोर्ट को कैप्चर किया। काकतिया प्रताप से जीत लिया, जीत कर उन्होंने डेवलप नहीं किया, यही मिट्टी के फोर्ट पर रूल किया 150 साल। तो उनका यहाँ पे बिजनेस था घोड़े हाथी बाल डायमंड बेचने का, बड़ा बड़ा मार्केट करते थे। तो उनके दौरे हुकूमत में एक लड़का आया ईरान से, जिसका नाम था सुल्तान कुली कुतुब शाह। बिदर में आया, बिदर ये बिजनेस सीखने के लिए। तो बाहमनी के साथ रहकर सुल्तान कारोबार में इतना फास्ट हो गया कि वो बाहमनी लोग वो सुल्तान से खुश हो गए। खुश होकर वो सुल्तान को ये गोलकुंडे का गवर्नर बने। गवर्नर बनाने के बाद थोड़े दिन यहाँ पे बाहमनी डायनेस्टी चली, फिर बाहमनी का डेड हो गया। जैसा बाहमनी का डेड हुआ, वो सुल्तान डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ का किंग हूँ बोलकर। तो सुल्तान ने 1518 में ये फोर्ट को ऊपर से बनाना शुरू किया। ऊपर से नीचे आए तक 62 ईयर्स लगे, 62 साल। 3 राजा गए, सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये 3 राजा मिलकर इसको इंटर फोर्ट बनाकर इसका नाम बदल दिए गोलकुंडा। गोल माने राउंड, कुंडा माने हिल। अब जो अपन इधर पाइप देखे वो ड्रिंकिंग वाटर, ये देखो ये जो पाइप जा रहा है राजा के बेडरूम में, ये हॉट वाटर, गर्म पानी। उस जमाने में यहाँ पे गीजर नहीं था पानी को गर्म करने के लिए। मैम वो दीवार में देखो, वो पानी पकेगा, चरखा घूमेगा, सेकंड फ्लोर पे गर्म पानी राजा को नहाने के लिए। अभी आवाज रिकॉर्ड कर लो, आवाज कपड़े का आवाज। आ रहा है? इधर चुपट नहीं। अब यहाँ करो, नहीं आता यहाँ, नहीं आता। ओके। ये है अदालत,
यानी कि कोर्ट, वहाँ बैठेंगे राजा रानी। अच्छा। वहाँ से जजमेंट करेंगे, मुजरिम को वहाँ ठहरा करेंगे। कोई भी राजा का मुजरिम राजा से बात करना है बोलकर चाकू तलवार छुपा के लाया, निकालने के बाद राजा को पता हो जाएगा कि इसके पास चाकू है। अच्छा, बीच में ठहराते हैं। यस, बीच में ठहरा के वो स्टार्टिंग, यहाँ ठहरने से वो दिख रहा है। वहाँ ठहरो, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। वहाँ से राजा आपको देख सकता है, आप वहाँ से राजा को नहीं देख सकते। आप वहाँ से जो भी बात करेंगे, आपकी बात ये डायमंड कट कैच करेंगे, ये आवाज़ ऊपर आएगी। इधर वो लेफ्ट में आओ, थोड़ा थोड़ा उधर। हेलो बोलो, हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा निशान अपने को? नहीं आ रहा, उनको क्या था? मात्र सर, हाँ वही आवाज़ ऊपर आ रही। कड़ागो नहीं कड़ागो, अब आए ना चेपते कर रहा था साउंड। गाड़ी गिरा यहाँ, नहीं आता यही रिसोन ऊपर आता। ये छः खिड़कियाँ हैं लोग, एक दो तीन चार पाँच छः। ये एसी, जैसे घर में एसी लगाते हैं ना, हवा आएगा ठंडा। मैडम अब ये पूरे रूफ के अंदर, दीवार के अंदर जैसा भीम देते ना, लोहे का भीम सपोर्ट, उस जमाने में लोहा नहीं था वहाँ, देखो लकड़ी दिख रहा है, 500 years ओरिजिनल सागवान की लकड़ी, टेक, अभी तक ख़राब नहीं हुई लकड़ी, ना तो उसका दिमाग पकड़ा ना तो ख़राब हुआ देखो, जैसे ना वैसे। यहाँ राजा बैठेगा, ये पूरे ऑडियंस। अच्छा। जब राजा बैठिंग में होगा, अपने बेडरूम में होगा, दूसरा राजा आकर ये राजा की बात किया या बगावत किया, इधर बात करने का आवाज़ किंग के बेडरूम में जाता है। पुराने लोग बोलते हैं ना, दीवारों से भी कान होते हैं। है ना सर, उसमें आपका फेस रखा रहे देखो, ऐसा लो हेलो बात करो। సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడితే అక్కడ వినబడుతుందంటే ये रानी का मेन पैलेस। हाँ। ये पूरा रूफ, ये देखो, ये पूरे बेडरूम मॉर्निंग से थोड़े सा। अयो। ये तारामती पीरामती का डांसिंग स्टेज। ओके। ये राजा रानी बैठ के गाना सुनने का स्टेज। अच्छा। ये वाटर फाउंटेन उस जमाने में हैंड पंप से चलता था, अब ये लाइट से चलेगा। अच्छा। अब जो वर्ल्ड का फेमस डायमंड कोहिनूर अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्राउन में है ओल्डन डेज, वो मेहराब में था, बीच में छोटा खिड़की दिख रहा है, उसी के अंदर में हीरा रख के उसके साइड में दिया जलाने से दिए का रोशनी हीरे पे पड़ने से पूरा रिफ्लेक्शन फैलेगा। अब जो लेडीज गले में बड़ा नेकलेस पहनते हैं सोने का, वो नेकलेस का डिज़ाइन देखो, उसमें छोटे छोटे छेदे दिख रहे हैं, ओल्डन डेज को उसमें डायमंड होते थे, अब कुछ भी नहीं है। 1954 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये चार मीनार का रास्ता बंद कर दिया, नीचे लकड़ी पड़ा है, 15 feet डीप है पूरे स्टेप्स, यहाँ से घुसे आप चार मीनार में निकलते हैं। अच्छा, वो सामने से उसके अंदर से। जी सर, बंद कर दिए? जी सर। अब यहाँ पे स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं, इसमें सो मनी स्नैक सांप रहने से बंद कर दिए, बीच में तो खुला है, वो मट्टी पत्थर निकाले तो आप भी जा सकते हैं। अब यहाँ की जो मेन रानी थी भागमती, वो रानी नहीं थी, लोग बन जा रहे थे जिप्सी, वो जिप्सी ओल्डन डेज यहाँ पे उर्दू में शायरी करती थी। यहाँ का फोर किंग मोहम्मद फली कुतुब शाह जो हैदराबाद का चार मीनार बिल्ड किया, वो वहाँ से तेलुगु में शायरी करता था। ये दोनों भी शायरी करने से ये राजा को लड़की से मोहब्बत हो गई, ये लड़की को इसके लिए कि रानी बने, बना के पहले शहर का नाम रखे भाग्यनगर, भागमती से नाम रखे भाग्यनगर। ये जो राजा थे ना मुस्लिम, ये लड़की को मुस्लिम बना के इसके संग शादी करे, इसका नाम रखे हैदर बेगम, हैदर बेगम से हैदराबाद। अच्छा। ये रामचरण का शूटिंग यहाँ हुआ मगधीरा पंचधर बोमा सॉन्ग से, यहाँ वो पोखरी के अंदर हुआ, महेश बाबू सलमान खान वॉटेक महेश बाबू मगधीरा।
पंच तारा बुमा बुमा वो वाला आता आपको गाना आता तो साफ करना पड़ता है, गवर्नमेंट का पैसा भी होना ऊपर के रोड गरीब है। अभी अंदर का कहाँ से अब 4 महीने पहले जो हैदराबाद में बारिश हुआ था घना वना डूब गए थे, अभी ऊपर का रास्ता टूट गया, अभी तक नहीं बना इधर से, इसलिए रास्ता बंद है। पब्लिक उधर से जा रही उधर से जा रही उधर से बंद है, तो रास्ते डैमेज हो गए। और एक दिन वहाँ से आए थे ये ग्रिल लगा दिए दीवारों पे, नाम लिखे लगे ऊपर का, ये रानियों का मेकअप रूम, ये रानियों का ड्रेसिंग रूम। पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि ज़्यादा आईने में सूरत देखने से सूरत काली होती है, मुँह पे धब्बे आते हैं बोल के वॉटेड मीडिया रानियाँ मेकअप करके पानी में सूरत देखते थे। अब रानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। नहीं, ये वाला क्या बोले, ये ड्रेसिंग रूम इतना खुला था, मेकअप रूम ऊपर से दीवार साइड के सब टूट गए ना। अच्छा अच्छा, अभी ओपन दिख रहा है पूरा कर्टन पर्दे रहते हैं। हाँ नाइट शो, इका नहीं नाइट शो। वो గుల్కొండ వాటర్ దాకా అప్పుడు టైర్డ్ ఫేసెస్ ఇంకా గోల్కొండ గోల్కొండ సగం కూడా చూడలే मीटिंग के लिए राजा बॉक्स नहीं करेगा, इसको हैंड कैरी पालकी। जब राजे की पालकी नीचे से ऊपर जाएगी, जो आदमी थे उठाने वाले सामने के छोटे पीछे के लंबे बैलेंस। अच्छा, वो बीच में देखो रास्ता टूट गया, वो इस तरह से कोई भी नहीं जा रहा इधर से, वो दीवार टूट गई देखो ऊपर की, वो आदमियाँ ठहरे हुए देखो ऊपर, ये दीवार टूट गई, एक बना है वो खाली, ये इसके पीछे भी नहीं बने। अच्छा, ये पूरा बंद है। आइए वो लटके खड़े हैं ना, तोपा दिख रहा है ऐसे, तोपा 87। ओके, वो बीच के दो टोप में सोना चांदी मिला हुआ है, इधर का उधर का लोहे का है। अच्छा, ये लॉकडाउन में लेके आए ये बाहर से। ओके जी, अब लाए सो है अंदर। अच्छा अच्छा, ये 360 रानी के बेडरूम। ओके, ये पूरा ऑरेंज से डिस्ट्रॉय की, इसको बोलते हैं रानी महल। ओके, वन डे वन वाइफ नो चिल्ड्रंस, देखो छोटे छोटे रूम, ये भी मिट्टी में दब गए थे, अभी गवर्नमेंट खोदने से दीवारें ऊपर आई, नहीं तो पूरा फ्लैट हो गया था। अच्छा, ये बाहुबली 1 का शूटिंग बेडरूम, ये सुल्तान को यहाँ जाएंगे अभी, सुल्तान को यहाँ से वहाँ जाना बोल दो आधा घंटा। अच्छा, वहाँ एक सिक्योरिटी रहता था, वो थाली बजाएगा आउट डोर क्लोज। ये सुल्तान को उससे बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, यहाँ सुल्तान एक थाली बजाते 3 आवाज़ आते, एक यहाँ एक बीच में वो बिल्डिंग में, सुनो 3 आवाज़। That reaction dude of yours is crazy. Wow. How did you feel? Crazy. Huh? Lol.
सुल्तान के खाना खाने की सुल्तान को कोई भी खाने में जहर मिलाने से वो प्लेट कलर बदल देगी। अब ये शाहजहां म्यूजियम में म्यूजियम देखे अब जो उधर पाइप देखे वो पब्लिक का था राजा का दीवार से अंदर ड्रिंकिंग वाटर ऊपर से नहीं बने इससे कि मिट्टी का पाइप अगर ऊपर से बने तो सुराख डाल के उसमें जहर डालेंगे बोल के दीवार के अंदर से बने वो पाइप है जैसे बना वो बड़ी दीवार थी दीवार के ऊपर देखो दीवार के ऊपर छोटा सा होल दिख रहा है बाहर उधर वो दीवार के ऊपर देखो छोटा होल दिख रहा है ब्लैक कलर ब्लैक कलर हाँ। ये ऑरेंज फ्लोर पे मिलता है ऊपर अच्छा ऑरेंज फ्लोर है बिल्डिंग ओके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ओके दो सौ फीट गड़ा हम यहाँ से देखो आदमी दिखेगा नीचे से कुछ भी नहीं दिखता वहाँ से चाकू फेंको पत्थर फेंको अपने को लगता नहीं दीवार को टैक था नहीं फेंगे यहाँ से बढ़ के राजा కనబడతలేదు అందుకే కదా అది టెక్నిక్ అంతలో నిలబట్టి అడ్జస్ట్ చేస్తారు క్రేజ్ ఉంది కదా ఏంటంటే ఇంట్రో ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే మీరందరూ స్మార్ట్ పీపుల్ గోల్కొండని ఫట్టుమని కమెంట్ చేస్తారు అందుకే ఇంట్రో చెప్పలేదు సో మీరు ఎంజాయ్ చేయండి వీడియో అట్లనే ఏమన్నా సజెషన్స్ ఏమన్నా ఒపీనియన్స్ ఉంటే స్పెషల్ గెస్ట్ మిన్ను గారికి ఒక వేసుకోండి సో మళ్ళీ మిన్ను గారు వస్తారు వీడియో చేస్తాము మేము మిన్ను డాన్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్ గా మిన్ను డాన్ సో అంటిల్ దెన్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కమెంట్ ఓకే కమెంట్ కూడా చేయండి సిగ్నల్ పడ్డారు రెడ్ లైట్ పడుతున్నది కనబడుతుందా అట్లా అయితే మొత్తానికి మేము చాలా హ్యాపీ అట్లనే 400 కాదు 4000 అవ్వాలని కోరుకుంటూ సైన్ ఆఫ్ చేస్తాం నమస్తే లవ్ యు గైస్ బై